हमारी भाभी जान वहाँ पे नाश्ता बना रही हैं और यहाँ पे जाना बाजी बना रही हैं पराठे बच्चों के लिए। ये तायबा और आया सुबह उठते ही अपनी सहेली को ले आए महादुर को अपने घर में टुकड़े कर रही थी। आयत लेके पहले वहाँ चली गई है। सुबह से दोपहर हो गई और अम्मा थक भी गई हैं, अब गुस्सा भी आ रहा है। धो दी यहाँ पे कपड़े, उन्होंने कपड़े धो रहे हैं तो अभी पाइप जो है ना मैं उनसे लेती हूँ, ये चारपाइयां मैं धो लूंगी। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खराफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, बाद रहें और हंसते मुस्कराते रहें। जी तो इसी ने एक दुआ के साथ करते हैं आज का भी लोग शुरू। माशाल्लाह से आज जो है ना छुट्टी का दिन है, इतवार है, तो हमारे घर में इतवार वाले दिन का नाश्ता चल रहा है। बड़ी बाजी देखें क्या बना रही हैं, क्योंकि बड़ी बाजी के बच्चे स्कूल नहीं जाते, हमारे बच्चों के लिए जो है ना क्या बना रही हैं। तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, इधर देखिएगा ज़रा, ये देखो तबीयत भी ठीक नहीं है, इस साइड भी सूज रही है दाढ़ की वजह से, लेकिन बना रही हैं पराठे दाल वाले। सुबोनी वाली दाल बनाई थी तो मैं क्या क्यों ना जो सब मसाले वसाले डाल के हरे तो बच्चों पराठे दाल वाले बना। हाँ जी वही, वो उसी दाल में क्या क्या डाले भाजी? पुदीना तो प्याज की, हम वो भूखे नहीं होती। हाँ, लहसुन की, लहसुन की नहीं प्याज, प्याज की वो डाली है। लहसुन तो सूख गया तो, हाँ लहसुन तो खत्म, लहसुन का तो अब नाम निशान ही नहीं है बाड़ी में। डाली है सूखा प्याज भी काट के, बड़ी सूखा प्याज भी। और आज इतवार है, आज हमें भी छुट्टी है तो नाश्ता जो है एक ही जगह बन रहा है और जो है ना सब एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बड़े सब एक जगह है माशाल्लाह। हमारी भाभी जान वहाँ पे नाश्ता बना रही हैं और यहाँ पे जो है ना बाजी बना रही हैं पराठे बच्चों के लिए। तो आज बच्चे इस तरह से अगर दाल बच जाए या फिर गोभी बच जाए तो बड़ी खाला उसके जाना, कोई भी बच जाए ना, आलू मटर जैसे होते हैं तो आलू अगर बचे हुए होते तो मैं भी ऐसे करती हूँ, क्योंकि इस तरह से ना बच्चे फिर शौक से खा लेते हैं, वरना बच्चे भी नखरे करते हैं। अब ये दाल वाला पड़ी रहती, अब ना ये शौक से सब बच्चे भी खा लेंगे और बड़ी बाजी के बच्चे भी खा लेंगे, समझ लो माँ के लिए तो बच्चे ही होते हैं ना। तो इसलिए ही जो है ना माँ अपना काम कर रही, मैं चलती हूँ वहाँ पे और मुझे नाश्ता दो। हाँ आ जाओ चलो। ये तायबा और आया सुबह उठते ही अपनी सहेली को ले आए महादुर को, देखो उसको कह रही हैं कि आप भी हमारे साथ नाश्ता करो। ये आयत और वो ना एक साथ नाश्ता करें, तैबा भी यहाँ पे नाश्ता करे। देखो तैबा, ओए सहेली को ले आई हो? अच्छा चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो, नाश्ता करो। मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ। ओए रात को बिस्मा ने इनको लगाई थी मेहंदी, आप दिखाओ मेहंदी। कितनी प्यारी लग रही है। तैबा खराब कर दी थी। अच्छा तैबा ने खराब किया और अम्मा अपना काम कर रही है। अम्मा का पता नहीं छोटे मोटे काम लगे रहते हैं, कोई सुई का होता है, कोई छुरी वाला काम होता है। ये क्या कर रही हैं? गद्दा बना रही हूँ। अच्छा ये क्यों? ये वो तो था केस सा। केस था था, ये पांत जा रहे निकल गए। अच्छा तंदूर निकल गए तो खाली थी बन गया। हाँ सही, इसको बड़ा हुआ सही। देखो तो थैली में, हाँ इस तरह से इसकी मूछे निकल रही है। ये ना अम्मा ने देखो किस तरह से ये कपड़े, ये धागे, सुइयां, ये सब कुछ अपने पास रखा हुआ है। ये रजाइयों वाला धागा, सुई, सब कुछ, क्योंकि हमें जब किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो हम सब अम्मा से मांगते हैं, क्योंकि हमारे जहन इतने नहीं, अम्मा के पास चीज़ टिकी रहती है ना। हाँ सही है, अम्मा के पास सेफ पड़ी रहती है। यहाँ पर आयत ने ले लिया जी गुब्बारा अम्मा हनूर का, और तैबा का जो है ना वो जो है ना फट गया ऐसे, वो उनके पीछे लगी हुई है मारने के लिए। और ये है जी आयत की डोल, मतलब गुड़िया आयत की, और उसका छोटा सा फिटर, उसके जो है ना आयत ने कपड़े उतार दिए, बाकी ये फोम है, ये देखें छोटी सी है लेकिन प्यारी है। आयत को देखिए उनके पीछे भाग रही है। आयत क्या कर रही हो? खेलने लग रही हो मुझसे भी जो है ना। आयत लड़ रही है, मैं आपकी बहन भी नहीं हूँ, आप मुझसे लड़ती हो। देखिए अब मुझे मारने लग गई है, गला भी आ जाना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा। जाओ अच्छा खेलो, इन तीनों के जो है ना अपने ही मज़े होते हैं जी। तो अम्मी के घर नाश्ता करने के बाद हम आ गए अपने घर, मैं टुकड़े कर रही थी, आयत लेके पहले वहाँ चली गई है। परिंदा भी आए हैं लेकिन उसने हथौड़ी भी उठाई हुई है। मैंने जल्दी से और टुकड़े कर लिए, रोटी रात वाली रखी हुई थी हमारे परिंदों को ना,
आज लेट हो गया है। पानी तो मैं वहाँ दरख्त के नीचे रख देती हूँ प्याला भर के रोज का। तो अब जो है ना मैं इन्हें कहा कि ये वाले छोटे छोटे टुकड़े भी इधर डाल दूँ। हाँ आप काम कर रही हो। वो मिस्त्री भाई जो हमारे किचन बनाने वाले हैं ना वो आए हैं, रेत यहाँ पे रखी है तो वो अपना आज काम शुरू कर रहे हैं प्लास्टर वाला। तो यहाँ पे जो है ना आया टुकड़े लेके आई है। तो बच्चे जो है ना वहाँ पे सुकून कर रहे हैं आज, क्योंकि मदरसे की भी छुट्टी थी और स्कूल की भी छुट्टी, तो इसलिए आज बच्चे ना आज गुल्ला हल्ला गुल्ला कर रहे हैं सब, आज छुट्टी मना रहे हैं। तो वहाँ पे देखो उसको, अरे मिस्त्रियों में काम करोगी आयत, क्या कर रही हो? मैं काम कर रही हूं। नहीं करो काम, अरे फैला दोगी बेटा, इधर आओ इधर आओ। हाँ। दिखो ये खुद ही हटेगी, वरना ना ये जो है ना फिर जिद करेगी, फिर नहीं हटेगी। अब सर स्कूल का काम हो गया? हो गया। चलो माशाल्लाह स्कूल का काम भी हो गया, फिर तो मजे है, मजे सारा दिन है, मजे हैं आज। कल इंशाल्लाह फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर इनके चेहरे लटके हुए होंगे। अच्छा अच्छा दिलाऊंगी दिलाऊंगी। आज है ना काफी धूप है, काफी सारी तेज धूप है। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बजे का, लेकिन ऐसे लग रहे जैसे 12 बज रहे हो। तो साइम जो है ना ये कह रहे कि मुझे मच्छरदानी दिलाओ, और मैं आपको ये बताती चलूं। हाँ जी सहेलियां आ गई हैं आपकी, आयत पोती को तो प्लस्तर कर रही है। अल्लाह देखो 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 उसको कैसे प्लस्तर कर रही है। तो बस आप उसकी छुट्टी करवाते, आप प्लस्तर कर दो मामी का किचन, ठीक है? ठीक है आयत। तो अभी दोनों आ गए, अब तीनों मिल के आज ही आज कर लेंगे ये। ओए नहीं फैलाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सुबह से दोपहर हो गई और अम्मा थक भी गई हैं, अब गुस्सा भी आ रहा है। और कल धोए थे गिलाफ इन्होंने, तो सारे के सारे गिलाफ जाना अम्मा ही सुबह से सीने बैठी है, तो अभी तक सी रही हैं। देखें जहर हो गई है, अब सब इधर ही आ गई है। बोर हो रही हो? चलो खैर कोई बात नहीं, अब गुजर गए, कल स्कूल जाना। अम्मा देखे हवा चली, और ये फूल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, पीले पीले से ना जेवर जेवर। हम भी ये जेवर डालते थे, जैसे कांटे हो गया टीका हो गया, ये वाले फूल जो है ना ये तोड़ के इस तरह से हम खेला करते थे। लेकिन बचपन की जो बातें है ना वो याद रहती है ना अम्मा। देखे किस तरह से अम्मा सिलाई लगाती जा रही है इनको, क्योंकि ये ना गिलाफ अगर धो लो ना साफ सुथरे हो जाते सफेद सफेद है ना। मेरी अम्मा तो नी लगा के रखती थी इन गिलाफों को, जैसे भी होते थे ना, अगर फटे हुए भी होते थे तब भी धो धुला के, हाँ उसको नी लगा के रखती थी, नी लगा के तब ये चढ़ाती थी। अच्छे भी लगते थे भले पुराने हो, है ना अम्मी? सोने लगते थे। अच्छा अम्मा चटनी खाएंगी आप? मामा मैं आपकी बाड़ी में जा रही हूँ मिर्चें तोड़ने धनिया तोड़ने के लिए। खाएंगे टमाटर वाली चटनी बनाते हैं, ठीक है? अब से आ जाओ बाड़ी में चलते, अम्मा की इजाज़त मिल गई है, अब तो नहीं है लहसुन वगैरह जो अम्मा डांटेगी। आ जाओ, सोच क्या रही हो? चटनी नहीं खाने का मूड है आपका? क्या खाओगी हैं? क्या खाने का मूड है? मुझे पता है आपको तो दो चीज़ें पसंद हैं, एक मैकरोनी और एक चावल। चलो खैर वो भी बनाएंगे कभी, फिलहाल तो मैं चटनी बना रही हूँ, अगर खानी है तो आ जाओ मैं तोड़ने जा रही हूँ, ठीक है? मुझे चिप्स खानी है। चिप्स खानी है? चिप्स वाला भाई तो अभी मेरे ख्याल में नहीं होगा। नहीं वो दोपहर को होता है और सुबह जाता फिर इस टाइम आ जाता है। देख रही हो यहाँ से क्या आ रहा है या नहीं आ रहा? लोग लेने गए हुए ना, तो फिर आप भी ले लो जाके। ये वाले चूल्हे हम लोगों ने हटाने हैं, ये ईंटें हटा के इसकी सफाई भी करनी है, क्योंकि अब हमारी चारपाइयां ना सुबह ही सुबह हम यहाँ पे लगाया करेंगे, कि मैं भी आ जाऊंगी, बड़ी बाजी भी इधर ही होगी, सारा टब्बर हमारा इधर ही होगा इस दरख्त के नीचे, क्योंकि लाइट इतना अभी से तंग कर रही है बहुत ज्यादा, और मेरे घर पे तो बहुत ज्यादा तपश लगती है क्योंकि दरख्त तो उधर है ना सामने। हाँ गर्म हो जाए, गर्म हो जाए। क्या हुआ आयत? आयत रो रही, मैं आयत की सुनती हूँ, फिर जाके बाड़ी में धनिया वगैरह तोड़ के लाती हूँ। यहाँ पर अम्मी ने जो है ना एक चारपाई धो के रख दिया यहाँ पर, क्योंकि अम्मी को मैंने बोला कि चटनी ना बनाए, मैं जो है ना अपने लिए चिप्स ले आई हूँ, तो मैं चिप्स खा लूंगी। और वैसे भी आज का नाश्ता लेट हुआ था तो इसलिए अभी भूख भी नहीं है, तो चलते हैं अम्मी के पास। अम्मी जाना दूसरी चारपाई धो रही है, ये देखिए रगड़ रगड़ के धो रही हैं। ये ना असल में वो सर्दियों में अंदर पड़ी रही है ना, वो उसकी धुएं की वजह से होगी काली, तो इसलिए मैंने कहा ये इनको धो लूँ, आज धूप अच्छी खासी तेज है, तो इसीलिए वरना जो है ना फिर जब बच्चे छूल जाते फिर बच्चे जब आते हैं ना तो फिर उनका खाना बनाओ रोटी बनाओ ये वो, तो इसलिए मैंने कहा आज मेरे पास ये टाइम है, तो मैं ना इसको
ये देखें, ये भी काली हो रही है सारी, इसकी रस्सी भी, तो इसलिए सर्फ वाला पानी मैंने बना लिया, गिर रहा है तो पानी बना के ना मैंने उसको रगड़ लिया है। अब इसको रगड़ रही हूँ, साथ में सिस्टर धो रही है यहाँ पे कपड़े, उन्होंने कपड़े धो रहे हैं, तो अभी पाइप जो है ना मैं उनसे लेती हूँ, ये चार पाइयाँ मैं धो लूँगी। बस जो है ना अंदर जो बारिश हुई थी ना कल, तो वो ईंटें भी अंदर से ना सारी गीली हो गई, अल्लाह खैर करे, तो उसमें कुछ उस वहाँ पर भी मैंने सफाई करनी है। आज मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। हफ्सा लेके आई थी चिप्स, उसने कहा अम्मी चटनी ना बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है, जान छूट गई चटनी बना। तो बस इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड और अपना कमरा साफ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।